हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ए टू जेड हिस्ट्री में। और इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नॉक नी और फ्लैट फुट के बारे में। एक्चुअली आपके आगे देखें, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आरपीएफ का लगा हुआ है, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, ग्रुप डी, बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें आगे चल के आपको मेडिकल देना है। आज से 4-5 महीने बाद आपका मेडिकल होगा। और नॉक नी और फ्लैट फुट ऐसी समस्याएँ हैं जो कि अगर आपको महीने भर का भी टाइम मिलता है ना, तब भी ये सही नहीं होती। नॉक नी और फ्लैट फुट को सही होने में कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। तो मैं इसीलिए अभी से बता रहा हूँ कि क्या होती है नॉक नी, कैसे सही होता है। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे नॉक नी है या नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं मुझे नॉक नी है या नहीं है, तो उनका भी मैं बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं प्रॉपर। वहां पे मैंने खुद एयरफोर्स का मेडिकल दिया हुआ था, उसमें मैं पहले मेडिकल दिया तो उसमें नॉक नी में बाहर हुआ, और दोबारा जब नॉक नी मैंने सही करवाई, नॉक नी मैंने मेहनत की सही हुआ, तो दोबारा मैं ईसीजी में बाहर हो गया। ठीक है, तो मैं 2-3 मेडिकल दे चुका हूँ आर्म फोर्सेस के, तो मुझे पूरी जानकारी है कि कैसे वो लोग चेक करते हैं, कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस तरह की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो नॉक नी के बारे में क्या होता है कि देखिए, जैसे कि इसमें नॉक नी जब वहां पे चेक करते हैं, पहली चीज तो वो बताता हूं कि आपको अगर जैसे कि ये देखिए, ये जो वीडियो है, ये इसमें इस बंदे को नॉक नी है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि नॉक नी को चेक कैसे करते हैं, कि हमें नॉक नी है या नहीं है। आम लोग क्या करते हैं कि इसको जोड़ने को बताते हैं और इसको जोड़ने को बताते हैं, और अगर कहते हैं कि ये जुड़ जाएं तो इसको नॉक नी बोला जाता है। ऐसा नहीं होता है वहां पे, इस तरह से कोई चेकिंग नहीं होती है कि इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो और इसके बाद ये अगर जुड़ रहे हैं तो नॉक नी है। आप जब आर्म फोर्सेस में जाएंगे, मेडिकल देंगे, तो वहां पर किस तरह से चेकिंग होती है मैं बताता हूं आपको। कई बार तो इस तरह से डॉक्टर अगर नॉर्मल हुआ तो इस तरह से भी चेकिंग होती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। जो प्रॉपर चेकिंग होती है वो इस तरह से होती है, व्यक्ति को सुपाइन, ये सुपाइन पोजीशन होती है बंदे की, जब हम सर ऊपर करके लेटते हैं इस तरह लिटाया जाता है। अगर आपको चेक करना है कि मुझे नॉक नी है या नहीं है, तो आप जमीन पर बिल्कुल इस तरह से लेटिए, इसके बाद आप यहां पर टो को अपने जोड़िए और इसके बाद यहाँ पर जोड़िए। ठीक है, इसके बाद जब आप इसको जोड़ लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, अब आप देखिए क्या आपकी जो गांठें हैं वो जुड़ रही हैं। अगर जुड़ रही हैं तो आपको नॉकनी है। ठीक है, खड़े होने पे क्या होता है, कई बार जो है पैर को स्ट्रेट कर देते हैं, जैसे बच्चे सीधा इसको खींच देते हैं पैर को, तो इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो पता नहीं चलता है कि नॉकनी है या नहीं है। लेकिन अगर आपको नॉकनी है तो आप जब इस पोजीशन पे करके देखिएगा, आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि मुझे नॉकनी है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक, अगर आपको यहाँ पता चलता है कि नहीं, अगर ये गांठें जुड़ जाती हैं तो आपको नॉक नी है। ठीक है, चलो आपको सपोज नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको पता चलता है कि नहीं मुझे नॉक नी है, तो सही कैसे होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होता है कि आप डॉक्टर से मिलिए, हड्डी के डॉक्टर से मिलिए। कई बार क्या होता है कि यहाँ का जो मांस होता है वो बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, वो ज़्यादा फैटी हो जाता है, फैट बढ़ा होता है बॉडी का, इस वजह से नॉक नी होता है। बेसिकली हड्डी की प्रॉब्लम वो नॉक नी नहीं होती है, वो मांस की प्रॉब्लम होती है। तो आप जब डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको बताएगा कि हड्डी की प्रॉब्लम है या मांस की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो दूसरा तरीका ये होता है, जो सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने अपनाया, वो क्या करते हैं कि हम लोग इनके बीच में, जैसे जब सोते हैं ना, सोते हैं या फिर जैसे कि ऐसे नॉर्मली बैठे हैं कहीं पर या लेटे हैं, तो आप इनके बीच में काफ़ी मजबूत टाइप का, जैसे कि मतलब जो गुलगुला रजई नहीं, काफ़ी मोटा रजई, जैसे जो कि दबे ना, उसको दबा के ऐसे इस अवस्था में, सुपाइन अवस्था में, इसको सुपाइन अवस्था बोला जाता है, इस अवस्था में ऐसे लेटिए दबा के। ठीक है, तो आपकी धीरे 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 ये समस्या सही हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आप रनिंग जब करें तो थोड़ा सा लंबा पैर रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि जैसे कि आप पर डे अगर 2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो आप 500 मीटर जो अपनी प्रॉपर रनिंग जैसे करते हैं वैसे करिए, लेकिन 1500 मीटर क्या करिए, कि थोड़ा लंबा पैर रखने की कोशिश करिए, उससे भी नॉकनी सही होता है। और फैटी फैट को भी कम करके नॉकनी कई बार सही किया जाता है। और बाकी डॉक्टर को अगर आप दिखाएंगे, जो भी लोग अगर नॉकनी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कौन सा डॉक्टर कहाँ पे बेस्ट है, अगर आप कानपुर एरिया से, मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कहाँ पे आपको दिखाना है। पूरी की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप सेक्शन में अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि मुझे ये जानकारी चाहिए, तो मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो नॉकनी देखिए प्रॉपर, देखिए ये जैसे कि ये
पिक जो है इसमें नॉक नहीं है बंदे को, यहाँ पे देखिए नहीं जुड़ रहा है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये इसको नॉक नहीं है, यहाँ पे जुड़ रहा है पूरी तरीके से नॉक नहीं की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद देख ये है, ये जो प्रॉपर है इस तरह से अगर किसी बंदे का है तो ये प्रॉपर फिट है, ये बिल्कुल सही है, इसको नॉक नहीं की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया है नॉक नहीं की प्रॉब्लम। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्लैट फुट की जो समस्या होती है, पैर बिल्कुल समतल होता है, उसको कैसे सही करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और नॉक नी की अगर वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।